बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ से देखी जा रही है, सबको खुशामदीद और सातवां रोज़ा सबको बहुत मुबारक हो। थोड़ी ही देर में लाहौर में तो ये अफ्तार होने वाला है रोज़ा। कुछ मुल्कों में आठवां रोज़ा है, कुछ ममालिक में सातवां रोज़ा है, तो सबको सातवां रोज़ा बहुत मुबारक हो। इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ, मेरे साथ होती हैं हमारी इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर नूरीद फातिमा साहिबा, जो हमारे क्वेश्चन के आंसर देती हैं, आपके सवालों के जवाब, मेरे सवालों के जवाब, यहाँ बैठी हुई ऑडियंस के सवालों के जवाब, बहुत सारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमागों में फंसे होते हैं, आसान जवाब लेने के लिए ये हमारे साथ होती हैं। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमदे बारी ताला के लिए हमारे साथ होती हैं जरमीना नासिर। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रोज़ा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जरा एनर्जी लेवल आपने बताया कि डाउन चल रहा है। बस आपको पता है फिर आज गर्मी भी थोड़ी ज्यादा है। हाँ। तो यही तो असल जिहाद है, यही सब्र है और यही रोजा है। बिल्कुल ठीक है। मुनीरा ने थोड़ी देर बाद हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक कर देना। बिल्कुल। और हमें आज ज्वाइन किया है हमारे साइकोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर सदाकत हमारे साथ हैं, जो बात करेंगे आज डिप्रेशन पे और जो हमारे मुल्क में या कहीं पे भी मैं ओवरऑल अगर बात करूं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो डिप्रेशन की वजह से वजूहात बन रही हैं चीज़ें, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हमारे साथ हमारी आपदा बीबी मौजूद हैं, जिनकी, वालेकुम अस्सलाम, जिनकी परेशानी को आज हम डिस्कस करेंगे। किस परेशानी में है, किस तकलीफ़ में है, किस कर्ब में है, इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया, किस वजह से छोड़ा, किस तकलीफ़ में है ये। एक स्कूल में आया की नौकरी करती हैं और वहीं पे इनकी शादी हुई थी और शादी कुछ अरसा चली, इनका बच्चा साथ है और शादी के कुछ अरसे के बाद इनके हस्बैंड ने नशा करना शुरू किया और फिर जुए की तरफ रागिब हो गए। क्या वजूहात थी, क्या परेशानियां थी, बिल्कुल इनसे भी हम लोग पूछेंगे और डॉक्टर सदाकत भी हमारे साथ होंगे। उनकी परेशानी को किस तरह से साइकोलॉजिस्ट होने के नाते उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये दूर कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ किसान किचन में होती हैं हमारी शेफ़ मुनीरा, जो हमें मज़े मज़े की किसान कुकिंग ऑयल में और घी में डिशेस बनाना सिखाती हैं। क्या हाल है मुनीरा आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, यहाँ पे बस इंतज़ार है बनाई हुई इफ्तारी का। इफ्तारी का बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किसान किचन की क्योंकि बात हो रही है तो मैं किसान की जो कैंपेन है उसमें हिस्सा लेने का आज आपको फिर बताऊं कि बहुत आसान तरीका है। डू गुड विद किसान कैंपेन है किसान की जानिब से, जो मदद करती है मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल के जेरे इलाज मरीजों की। उसका तरीका बहुत आसान है, आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाके आप सर्च करें किसान फूड्स, उस पर आपको पोस्ट मिलेगी डू गुड विद किसान कैंपेन की, उस पर आपने हैशटैग के साथ अपना कोई भी कॉमेंट टाइप करना है। एक कॉमेंट के लिए 10 रुपीज़ किसान आपकी जानिब से मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल को डोनेट करेगा। तो ये बड़ा एक आसान तरीका है दूसरों की हेल्प करने का। किसान वालों की तरफ से आप लोगों की हेल्प पहुंच जाया करेगी मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल वालों की तरफ। जी अच्छा जी, आज का जो मौजू है वो है हमारा नमाज तहज्जुद, नमाज तरावी और कज़ा नमाजों की जो अहमियत है उस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपसे इल्तिजा करूँगी इस बात पर क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नमाजें बहुत ज़रूरी हैं, नमाज तरावी, कज़ा नमाजें, नमाज तहज्जुद, इनकी अहमियत बयान कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। आज मैं समझती हूँ हर रोज़ की तरह हमारा अहम मौजू है, लेकिन ये सबसे अहम इस वजह से भी है नताशा के कुरान पाक में 80 से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है। और फिर हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं, बच्चों को कह रहे होते हैं, बेटा नमाज पढ़ो। कुरान पाक में कहीं ये नहीं आया कि नमाज पढ़ो। कुरान पाक कहता है अकीमुस्सलाता वातुज़्ज़कात, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब नमाज का क़याम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले मुख्तसर से इस पर बात करके फिर मैं तहज्जुद की तरफ जाऊँगी। देखें, सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को जब अपनी बंदगी के लिए ज़मीन पर उतारा तो उसने अपने कुछ हुकूक बताए और नमाज अल्लाह ताला के हुकूक में से एक उसका हक है कि उसकी बंदगी बजाय लाई जाए। जब इंसान कलमा पढ़ लेता है उसके बाद जो पहला रुकन है, कलमा यकीनन हमारा पहला रुकन है, उसके बाद जो प्रैक्टिसेस में आता है वो नमाज है।
تو نماز پانچ وقت، کتابم موقوتا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وقت مقررہ کے ساتھ تم پر فرض کی گئی ہے، یعنی اگر اس نماز کا وقت نکل گیا ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہو جائے گی، اور پھر اس نماز کو اس کے وقت کے بعد میں ادا کرنے کو ہم کہتے ہیں قضا نماز. بالکل. اب اس حوالے سے سب سے پہلے امپورٹنس جس نماز کی آتی ہے وہ ہے فرض نماز. جی. ان فرض نمازوں میں پانچ نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم نوازی ہے کہ معراج کی رات 50 نمازیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے اور اس کی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں تن آسانی کو دیکھتے ہوئے 9 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بار بار جا کر استفسار کیا کہ باری تعالیٰ نمازوں میں تخفیف فرما دیجیے، تو ہر دفعہ پانچ پانچ نمازیں کم کی گئیں، مگر جب پانچ نمازیں امت کے لیے تحفتاً عطا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمازیں پانچ دے رہا ہوں مگر ثواب 50 کا ہی دوں گا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم پانچ نمازیں اللہ نے دی ہیں اور ہم 50 کا ثواب لیتے ہیں، لیکن بدنصیبی سے یا کسی شرعی عذر کی وجہ پر اگر نیند میں ہیں، سوئے رہے ہیں، نماز قضا ہو گئی ہے، تو پھر اس قضا نمازوں کا بالکل میں آپ سے کنٹینیو کروں گی، میں آپ سے جواب لوں گی اس کا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرمینہ ناصر پیش کر دیجیے. جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے، جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ مراد دل کی پائے، جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے، در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہے، در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہے، یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے، یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے، اور کبھی خواب میں ہی مجھ کو نظر آئے سبز گنبد، کبھی خواب میں ہی مجھ کو نظر آئے سبز گنبد، میرے آقا تیری قربت کوئی ایسی شب بھی لائے، میرے آقا تیری قربت کوئی ایسی شب بھی لائے، جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے، اور مجھے تیری جستجو ہے، مجھے تیری آرزو ہے، مجھے تیری جستجو ہے، مجھے تیری آرزو ہے، کبھی تیرا روئے انور میرا رب مجھے دکھائے، کبھی تیرا روئے انور مجھے میرا رب دکھائے، جسے ہے طلب
सुकून की दरे मुस्तफा पे जाए वो नसीब जग मगाए वो मुराद दिल की पाए जिसे है तलब सुकून की वो दरे मुस्तफा पे जाए। जी नुरीत साहिबा आप कंटिन्यू कीजिए। जी कज़ा नमाज से मुतालिक मैं बात कर रही थी। पहली बात तो ये कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि यह नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है जो किसी हाल में मुआफ़ नहीं। अब देखें हम रमज़ान मुबारक में बैठे हैं, अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, मुसाफिर के लिए अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना दी है कि वो अपने सफ़र के दौरान रोज़ा छोड़े, ठीक है, और वो बाद में उसको रखे। बीमार है और बाद में अगर तंदुरुस्त हो गया है तो वो उस वक्त में ना रखे, बाद में रख ले। कोई नहीं रख सकता तो उसको टोटली ऑफ कर दिया है कि वो फिदिया दे दे, और अगर जिंदगी भर नहीं रख सकता तो ना रखे। लेकिन नमाज में ऐसा नहीं है, ना तो किसी के हिस्से की नमाज पढ़ी जा सकती है और ना ये है कि आप नमाज को छोड़ सकते हैं। तो कोशिश पहली बात तो ये करनी चाहिए कि नमाज छूटे ना, कुछ भी हो, जान चली जाए नमाज जरूर अदा हो। लेकिन अगर गफलत हो जाए तो उसमें कज़ा नमाज का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपने फ़राइज़ की कज़ा अदा करनी होती है, उसमें फजर की नमाज इस्तस्ना है। अगर आपकी उस दिन की फजर की नमाज कज़ा है और निसफुल नहा यानी जवाल के वक्त से पहले आपको जाग आ गई है, आपने अदा करनी है, फिर आप उसकी सुन्नतें भी साथ अदा करेंगे। और फिर अगर उसके बाद में आपकी जोहर असर मगरिब कोई और नमाज कजा है तो सिर्फ फर्ज अदा करेंगे, और अगर ईशा की नमाज कजा है तो उसमें वितर भी अदा किए जाएंगे। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो जिनकी पांच नमाजें कजा होती हैं उनको कहते हैं साहिब तरतीब, और जिनकी छः या छः से ज़्यादा नमाजें कजा हो चुकी होती हैं उनको बग़ैर साहिब तरतीब यानी गैर साहिब तरतीब कहा जाता है, यानी उनकी नमाजों की तरतीब नहीं होती। तो उसमें तरीक़ाकार दो उसके तरीक़ाकार हैं। पहले तो ये कि आप अपनी नमाजें काउंट कर लें कि आपकी एक हफ्ते की कज़ा है, दो दिन की हैं, किसी की नऊज़ु बिल्लाह साल की हैं, या किसी को चलो अल्लाह ताला ने देर में हिदायत उसको मिली और वो उसकी सालह साल की हैं, तो वो अपने दिनों के शुमार के मुताबिक उनको लिख लें कि मेरी इतनी फजर, इतनी जोहर, इतनी असर, इतनी मगरिब, इतनी ईशा कज़ाएँ। फिर उसके बाद एक तरीका ये है कि पहले सारी फजर अदा कर लें और फिर उसके बाद सारी जोहर, फिर सारी असर, सारी मगरिब और फिर सारी ईशा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रोज़ के रोज़ हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज अदा कर लें, ठीक, फजर के साथ फजर पढ़ ली, जोहर के साथ जोहर के चार फ़र्ज़ पढ़ लिए, असर के साथ असर के चार फ़र्ज़, मगरिब के साथ तीन फ़र्ज़, ईशा के साथ चार फ़र्ज़ और तीन वितर। इस तरह से आपकी कज़ा नमाजें अदा होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ आज आबदा बीबी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी में जो जुल्म हो रहे हैं, जो परेशानियों से घिरी हुई हैं, उनको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे हवाला देना चाहती हूँ जीनत केस का, जो कुछ दिन पहले जीनत नामी लड़की को लाहौर में पसंद की शादी करने पर जिंदा जला दिया गया। शादी करना, अपनी पसंद से शादी करना और बालिग हो जाए अगर लड़की, तो इस्लाम तो इजाज़त देता है इस बात की, क्या वजह है कि हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता? क्या वो वजह है कि दूसरों की खुशियां हम लोग भूल जाते हैं और अपना दबाव दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं, प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं? फिर इसी तरह मारिया केस, थोड़े दिन पहले मरी में 19 साल लड़की को रिश्ते से इनकार करने पर जला के फेंक दिया गया। क्यों ये सब कुछ होता है? मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, बात करूँगी हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हमारे साथ सदाकत, डॉक्टर सदाकत मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आबदा बीबी की ज़िंदगी पर छोटा सा एक पैकेज दिखा दिया जाए। आबिदा बानो कुछ साल पहले सुहानी ज़िंदगी के ख्वाब सजाए साबिर अली के साथ शादी के बंधन में बंधी, लेकिन उसे बिल्कुल ख़बर नहीं थी कि उसकी आंखों में सजे ख्वाबों की ताबीर कितनी भयानक होगी। शादी के चंद माह बाद ही उसे पता चला कि उसका खामन नशे का आदि है और कोई काम काज नहीं करता। साबिर अली अक्सर आबिदा पर जिस्मानी तशद्दुद करता,
दुखों की मारी आबिदा इसे अपना मुकद्दर समझकर हालात से समझौता करती रही। फिर एक रोज जबरदस्ती आबिदा को उसके बूढ़े बाप और अंधी मां के घर छोड़ दिया गया। आबिदा के बार बार फोन करने पर साबिर अली ने उसके मां बाप के घर आकर उसे मारा पीटा और जान से मारने की धमकियां दी। आबिदा और साबिर अली का एक बेटा भी है। पहले तो साबिर अली उसे अपनी औलाद मानने से इनकार करता रहा और फिर अब अक्सर उसको छीनने की धमकियां भी देता है। किस्मत की मारी आबिदा बानो इंसाफ की मुंतजर है। आखिर कब तक हमारे मुआशरे में हब्बा की बेटियों के साथ ये जुल्म होते रहेंगे? आखिर कब मुआशरे में जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके साथ जुल्म होते रहेंगे? कौन है वो जो इस जुल्म को रोकेगा? इस पे हम बात करेंगे। आबिदा बीबी, आप एक स्कूल में नौकरी करती हैं, वहीं आपकी मुलाकात आपके शौहर साबिर से हुई? नहीं मैडम, मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो वहाँ पे काम करते थे? नहीं, जहाँ मेरा रिश्ता हुआ है वो लड़की वहाँ आती जाती थी, मेरे मियाँ की भांजी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से आपके मियाँ तक? अच्छा ठीक है जी, वो आती जाती थी, फिर उन्होंने ही वो स्कूल वालों से रिश्ते की बात तहक पूछना शुरू कर दिया जी। और वो स्कूल वाले ने अब मेरे वालिद साहब को बुलाया, पूछा क्या रिश्ते के लिए। हाँ जी, उनकी जो साबिर साहब की जो भांजी थी जी, उन्होंने आपको देखा तो उन्होंने सोचा हाँ कि मैं अपने मामू के लिए आपका रिश्ता ले लूं। रिश्ता ले लूं, ठीक हाँ है जी। अच्छा जी, तो उन्होंने मैडम से पूछा और टीचर से बातें होती रही हैं, तो अब्बू तक आए, इन्होंने रिश्ता वगैरह की बात चलानी शुरू कर दी। आता रिश्ता हो गया, तय हो गया, दो माह के अंदर अंदर तैयारी भी हो गई। अच्छा, शादी भी हो गई, और थोड़ी सी बात शादी से एक दो दिन पहले पता चली है कि ये लड़का सही नहीं है। एक दो दिन पहले पता चला? हाँ जी, ये लोग सही नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जो साबिर साहब जो नशा करते थे या जुआ खेलते थे, ये आपको शादी के कितने अरसे के बाद पता चला? मुझे शादी के एक महीना बाद। एक महीने के बाद आपके सामने आ गया जी। और ये शादी आपको जब पता चला तो क्या वो शादी से पहले भी जुआ खेलते थे और नशा करते थे? हाँ जी। लेकिन बाद में आपके आपको ये शादी के बाद सामने आई बात? सामने आई। बिल्कुल ठीक है जी, इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में, इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे, और मैं इस वक्त हूँ किसान किचन में। किसान किचन में हमारे साथ होती हैं शेफ मुनीरा, और आज अफ्तारी के लिए वो क्या बना रही हैं? जी बिल्कुल, आज मैं बना रही हूँ चिकन हांडी, साथ में बना रही हूँ बनाना स्मूदी, और साथ में बना रही हूँ चिक पीस विद बीन सैलड। अगेन एक न्यू रेसिपीज के साथ आई हूँ, और जैसे कि मैं रोज़ बताती हूँ कि अगर आपने हमारी इफ्तार की स्पेशल रेसिपीज़ देखनी है तो आप हमारे किचन mykisankitchen.com में जाएं और हमारे पेज को लाइक करें, आपको इसमें ढेरों मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी और जो बहुत ही क्विक किस्म की होती है, क्योंकि आपको पता है कि इफ्तारी के टाइम दिल करता है कि आप शॉर्ट रेसिपी लें, लेकिन इनोवेशन ज़्यादा हों आपकी, तो इस पर हमारी बहुत ही क्विक रेसिपी है, जैसे कि चिकन हांडी आज मैं बना रही हूँ,
और साथ में बना रही हूँ चिक पीस सैलड, ये भी बहुत मज़े का बनेगा और मेरा ख्याल है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा कि जैसे कि मैं जिस किचन में खड़ी हूँ वर्लैंड किचन, ये बहुत ज़बरदस्त उम्दा किस्म की डिज़ाइन किचन है। और सबसे ये कि इसमें चीज़ें रखने में मुझे इतनी आसानी रहती है कि आमतौर पर देखा जाता है तो यकीन करें कि किचन में कोई चीज़ कहीं होती है कोई चीज़, लेकिन ये बिल्कुल सही। और सबसे इसकी इंपॉर्टेंट इसकी देखें नताशा, इसकी शेल्फ मुझे बहुत आसानी रहती है, कभी आपको निकालनी हो तो आप यहाँ वहाँ नहीं हो सकते, बिल्कुल सब कुछ सामने। तो आज ये हम बना रहे हैं चिकन हांडी, साथ में बना रहे हैं चिक पीस सैलड और साथ में बना रहे हैं ठंडा ठंडा बनाना स्मूदी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जैसे एनर्जी, बिल्कुल बनाना स्मूदी से तो बहुत एनर्जी आती है, फौरन बात चाहिए होती है। बिल्कुल, और साथ में योगर्ट होगा, साथ मिल्क होगा, साथ हनी होगा। तो अगेन एक न्यू ड्रिंक के साथ आज आपको मैं पेश करूंगी कि आपको, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह बल्कि रोज की तरह ये भी आज आप सबको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा लगेगा। अच्छा जी, मैं वापस बढ़ूंगी अपने मेहमानों की जानिब, और क्योंकि हब्बा की बेटियों पे जुल्म की बात हो रही है तो डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं, कि कोई जहनी मरीज होते हैं या ये बीमार दिमागी बीमार होते हैं जो खवातीन पे जुल्म करते हैं, क्या इनके क्या मसले होते हैं जो औरतों को मारते हैं, जो नशा करने पे मजबूर हो जाते हैं, दिमागी बीमार हैं क्या ये लोग? वाज़ तौर पर तो यही नज़र आता है कि ये इंसान की ज़िंदगी का एक तारीख पहलू भी है। ठीक है, हम सब इंसानों की ज़िंदगियों में रोशन पहलू भी होते हैं और एक तारीख पहलू भी होता है, मुआशरों में भी कुछ तारीख पहलू होते हैं, कल्चर से कुछ चीज़ें परवान चढ़ती हैं, कुछ लोग ऐसी बातें सीख लेते हैं अपने कल्चर से, हिस्ट्री से बातें सीखते हैं जी। तो जैसे जब किसी के घर में कोई लड़की या बेटी बहन अपनी मर्ज़ी से शादी करती है तो कोर्ट में जाके, तो उन घर वालों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, उनकी फीलिंग्स का, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं और उनके मुँह से ऐसा निकलता है कि वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सही। और जब वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते तो फिर अब उन्होंने वापस उस पोजीशन में आना होता है कि वो मुंह दिखा सकें, तो कल्चर उन्हें ये सिखाता है कि वो फिर कोई जुल्म व सितम करें, किसी की जान लें कि जी तो, ये देखें जी हमने तो अपनी बेटी को जला के मार दी है क्योंकि इसने हमारी खिलाफ वर्जी की थी। ये अपनी फीलिंग्स को बेहतर बनाने के लिए इवन इंसान किसी की जान ले सकता है, और ये कोई नई बात नहीं, इंसानी तारीख में ऐसे वाकयात बेपनाह मिलते हैं कि जैसे इंसान अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए दूसरे को तकलीफ में मुब्तला करता है। तो चूंकि आसान होता है किसी कमज़ोर को तकलीफ में मुब्तला करना जी। ताकतवर के लिए सबसे आसान ये है कि वो किसी कमज़ोर को, किसी बॉडी बिल्डर को जाके तो वो नहीं कुछ नहीं कह सकता ना। तो एक औरत जो कि कमज़ोर होती है, सिंफ नाजुक है, तो फिर उस कमज़ोर पर अपना गुस्सा उतार के तो वो अच्छा फील करने की तरफ वापस आता है। तो ये कुछ आगाही की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है कि अगर आपकी फीलिंग्स तकलीफ़ में है तो आप उनको बहुत और तरीके हैं आपको यही लगता है कि जो इस टाइप के लोग हैं जो मैं स्पेशली मर्द हजरात की इस टाइम बात करूँगी, जो औरत पे हाथ उठाते हैं या उस पर जुल्म करते हैं या अपनी बीवी और बच्चों को वो हकूक़ नहीं, उनके हकूक़ को पूरा नहीं कर पाते जो उनके होते हैं, आपको लगता है कि ट्रीटमेंट इनका होना ज़रूरी है? क्या ये दिमागी उस लेवल के बीमार हैं कि इनको डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? देखिए नहीं, इस तरह की बात की ज़रूरत उनको हर एक को नहीं होती जो बीवी पे कोई हाथ उठाता है या बीवी हाथ उठाती है। इवन अगर माँ बाप अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं, छोटे वो भी कमज़ोर होते हैं बच्चे, तो माँ बाप उन पर हाथ उठाते हैं, या सोसाइटी में वैसे लोग एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं, तो इसके लिए कोई बाकायदा साइकेट्रिस्ट पे या साइकोलॉजिस्ट पे जाके इलाज की दवा से या किसी तरह ज़रूरत हर दम नहीं होती, हर एक को नहीं होती। ये एक शऊर है, एक आगाही है, एक मुहिम है, जो अब आप देखें मीडिया पे बातें आ रही हैं तो लोगों को समझ में आ रही है, और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता तारीख में सीखा कि जब उनको जिस्मानी तकलीफ़ें होती हैं तो वो उनको एक ख़ास तरीके से दूर करते हैं इलाज के ज़रिए, तो जब किसी को नफसियाती तकलीफ़ें होती हैं या जज्बात मजरूह हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उसमें भी इलाज की ज़रूरत होती है, जिसमें बाज़ औक़ात अदविया भी काम आती हैं और बाज़ औक़ात बातें काम आती हैं, बाज़ औक़ात ख्याल की तब्दीली काम आती है, बाज़ औक़ात माहौल की तब्दीली की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात माजी से कुछ जो कहानियाँ हमने सीखी होती हैं उन कहानियों को बुलाने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा
जुड़े रहते हैं बहुत ज्यादा हद तक जी, तो बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल जो है उससे बर्बाद होता है। बिल्कुल ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि इनके ज़हनों के इलाज की जगह इनकी रूहों का इलाज होना जरूरी है, इनके ज़मीरों का इलाज होना जरूरी है। प्रोग्रामिंग की बात है, प्रोग्रामिंग की बात है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग कोरे होते हैं जी, और उनमें बस अंदरूनी निज़ाम को थोड़ा बहुत चलाने के लिए बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन फिर हर दम चारों तरफ से जो आवाज़ें आती हैं, हम नज़र से जो कुछ देखते हैं, फिर मस्जिद और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, अखबार, किताबें, तो ये सारे का सारा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है जी। और इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे और भी होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली सीख रहे होते हैं। देखिए, हम जुबान अनकॉन्शियसली सीखते हैं, हम वैल्यूज को अनकॉन्शियसली सीखते हैं। तो हमारे मुआशरे में जो एक दूसरे को बातें करने का बड़ा रिवाज है, क्योंकि बातों का बिल कोई नहीं आता जी, तो बातें बहुत करते हैं लोग, तो फिर जब उनके यहाँ कोई वाक्या होता है तो अपनी की हुई बातें उनको याद आती हैं। अगर हम दूसरों की कोताहियों को या कमजोरियों को इस तरह ना उछालें और दूसरों पर कीचड़ ना उछालें, क्योंकि अल्लाह ने पर्दा रखने के लिए भी कहा है इंसानों को, उनकी जाती मामलात में दूसरे इंसानों की तरफ से कुछ पर्दे की जरूरत होती है, खासतौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते को तो पर्दे का रिश्ता कहा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, वो एक दूसरे को ढांपते हैं, कवर करते हैं, लेकिन मियाँ बीवी ही एक दूसरे को सबसे ज्यादा नशर करते हैं। मर्दों की ये बहुत बुरी आदत है कि वो औरतों को सताते हैं जी, और औरतों की बुरी आदत है कि वो फिर अपने मर्दों के खिलाफ जहाँ मौका मिलता है वो बातें करती हैं, तो इससे बातें बढ़ती चली जाती हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है कि वो एक दूसरे को खूबसूरत दिखाएं, क्योंकि लिबास का काम है जी, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे ये आपदा की स्टोरी आपने देखी और सुनी भी कि इसके जो भी मसले मसाइल हैं, अगर मियाँ ही अच्छा नहीं है, वो जुआ खेलता है, वो नशा करता है, तो क्या एक दूसरे का लिबास बने, या वो बेचारी कहाँ जाके फरियाद करे। अब मैं इन्हीं से बल्कि पूछती हूँ कि कब आपदा आपको उन्होंने पहली बार मारना शुरू किया, शादी के कितने अरसे के बाद? वो बाहर रात रह के आए थे, मैंने फ़ोन किया, रात को नहीं आए, बार बार फ़ोन कर रही थी कि सारे भाई आ गए, आप क्यों नहीं आए, खैरियत? तो कोई जवाब नहीं देना। अच्छा, आप जॉइंट फैमिली में रहती थी जी? अच्छा, तो कोई जवाब नहीं देना, काम है काम है, अभी आ जा, 10 मिनट बाद दोबारा, फिर हत्ता 2 बज गए रात के, फिर दोबारा फ़ोन किया कि आखिर वजह क्या है, बताना तो चाहिए हाँ। क्या वजह है, हालात इतने ख़राब है, लेकिन उन्होंने कोई बताया नहीं, कहते सो जाओ चुप करके आऊँगा तो फिर बता दूँगा। वो गुजरता गुजरता टाइम सुबह 4 बज गए, फजर की अजानें शुरू होने लग गई। अच्छा, तो मैं नमाज पढ़ने लग गई, उस वक्त आए, मैंने पूछा, मैंने कहा खैरियत, इस टाइम आए हैं, आखिर वजह? तो कुछ जवाब नहीं दिया, आगे से मारना पीटना शुरू कर दिया, मोबाइल छीन लिया, सिम गुम कर दी। नशे में थे? हाँ जी, और किसी को नहीं है, और ऊपर वालों को नहीं खबर, साथ वालों को किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। नहीं, क्या तो जब आपको वो मारते थे तो आप, जैसे कि आपने बताया कि आप जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो कोई आपके आपको बचाने के लिए आगे नहीं होता था? नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन ना मैंने किसी को कहा, मैं क्या शायद इनकी आदत ऐसी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी खबर, लेकिन वो तो जब 4-5 मरतबा यही वाकया हुआ तो फिर मैं समझी कि नहीं, वाकई जो सुना था वाकई ये बात है। और फिर कभी कहना कि मैंने कहा था मैंने शादी से पहले लड़की देखनी है, फिर शादी करनी है, मैंने कहा था फोन पे बात करवा दें, फिर शादी। अच्छा, शादी के बाद उन्होंने ये एतराजात करने शुरू किए कि मैंने तो पहले लड़की देखनी थी, मुझे दिखाई नहीं जी। अच्छा, तो मैंने कहा वो मैंने तो नहीं कहने आना था, वो तो आपके घर वालों ने कहना था या आपने बात करनी, रिश्ता तो उनकी तरफ से ही आया, तो उनकी तरफ से आया, तो मैं तो नहीं रिश्ता देखने आई थी, मैं तो जानती भी नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की उम्मीद हो गई। हाँ, ये जब आप प्रेग्नेंट हुई जी तो आपको आपके हस्बैंड ने जाके आपके मैके छोड़ दिया? नहीं, पहले रिपोर्ट करवाई है उधर, हॉस्पिटल लेके गए हैं, सर्विस हॉस्पिटल लेके गई हैं, मेरी जेठानी साथ गई हैं, मियाँ साथ गए, सब दो साथ गए हैं, उधर से रिपोर्ट वगैरह करवाई, आके बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, खुशी का इजहार भी किया? खुशी का इजहार किया है कि हाँ ये बात सही है, ये वो। तो अगले 2-3 दिन बाद यहाँ छोड़ गए बहाने से कि भी अब बीमार हो गया तो ये खुद ही इलाज करवाएंगे, खुद ही खर्चे करेंगे। अच्छा, सारे काम। अच्छा, वो तो चले ठीक है, आपको छोड़ दिया उन्होंने आपके मैके वालों के ऊपर कि जी अब ये प्रेग्नेंट है, इसके जो भी अखराजात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, वो इसके घर वाले पूरा करेंगे। उसके बाद जब बच्चा आपका हो गया तो फिर आपको लेने के लिए क्यों नहीं आए? नहीं, 2-3 बार मैंने फ़ोन किया बच्चे से पहले ही कि वजह क्या है, आए लेने नहीं आना, बहाने से
छोड़ के गए हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे घर वाले आएंगे तो फिर बात करेंगे, मेरे घर वाले आएंगे तो फिर वो बात करेंगे, वो लेके जाएंगे। मैंने कहा इस बात की वजह पता नहीं। फिर मैंने अब्बू को बताया, मैंने कहा अब्बू जी ये बात है, मैंने तो पहले कुछ भी नहीं बताया जी, शुरू से बातें शातें होती रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्वाइंट फैमिली ऐसे ही होता है। आपदा के जो फादर हैं मोहम्मद वली साहब, वो साथ हैं हमारे, मैं चाहूँगी कि मैं उनसे भी कुछ पूछूँ कि मोहम्मद वली साहब आपने शादी करने से पहले क्या लड़के के सारे हालात मालूम करने की कोशिश की थी कि किस टाइप का लड़का है, ठीक है, कोई जुआ शुआ या नशा वशा तो नहीं करता, मैं अपनी बेटी किस घर में दे रहा हूँ, कुछ आपने इंक्वायरी करने की कोशिश की थी शादी से पहले? जी नहीं, वो जो दो तीन लोग हमारे साथ गए थे ना, मैडम तस्लीम स्कूल बैतुल हदाम स्कूल की, वहाँ मेरी स्कूल बेटी के काम जो, करती स्कूल थी, की जो थी, उन लोगों पे हमें बहुत इत्माद था, वो मेरी बच्ची को अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करते थे जी। मैंने सारी बात उन लोगों पे छोड़ दी जी, उन लोगों के दिमाग को पता नहीं उन्होंने क्या खिलाया क्या किया, हर आदमी ने ये कहा ओके ओके ठीक है ये सही है। जी, और तीन महीने मेरी बेटी ने ससुराल के घर गुजारे सोने पे चढ़ के, और तीन महीने में सिर्फ तीन दफा मेरे दरवाजे पर आने दिया, घंटे दो घंटे बाद वापस ले जाते। अच्छा। एक बेटी है मेरी जी, इससे छोटी सी फौत हो गई, मेरा बेटा भी है और बेटी भी है जी। मैं राजों के पीछे मजदूरी करता था, हट्टा गट्टा था मैं जी, काम करता था, मिसी को बोलता था कि ओए करके आवाज मत देना, काम बताओ सुबह से शाम तक, तो जितने घोड़े दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, इतनी हिम्मत थी मेरे जी। हक हलाल की रोजी कमा के बच्चों को खुलाया, बेटी दे के उसको बेटा बनाया जी, वो आए दिन आके मेरे को तड़ियां लगाने लगा। फिर मैं अपनी क्या तड़ियां लगाता था, क्या बोलता था, हम बेट इसको उठा के ले जाएंगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे। जिस जगह पे मैं रहता हूँ मियाँ रजवान अकबर मुस्लिम लीग का लीडर जी जी, मैंने उनको सिर्फ दो बातें बताई कि वो लोग हैं, मैं ऐसे कर चुका हूँ, मैं अराई बरादरी हूँ, वो लोग भी, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हम उनको बुलाएंगे। अब जब अच्छा उन्होंने बुलाया अपने पास, तो वो बातें हुई आमने सामने मेरी और उनकी, तो वो मियाँ साहब ने उनको टाइम दे दिया कि आज से चार दिन बाद आना जी, फिर मैं बाबा जी से बात करके बताऊंगा। ठीक है बेटा जी, उनका फ़र्ज था कि चार दिन गुजार के फिर आते मियाँ साहब के पास। ठीक, वो मियाँ साहब आज बात किए, दूसरे दिन मेरा दरवाज़ा दोपहर को खटखटाया, अगले दिन नहीं, हाँ जी दूसरे अच्छा दिन जी। मुझे कहने लगे कि हम किसी को नहीं जानते, हम लड़की को लेने आए हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा बेटे मेरी बात सुनो, ये शादी के बाद कितने अरसे के बाद की बात कर रहे हैं आप? ये शादी के तीसरे चौथे महीने के बाद, तीसरे चौथे महीने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जब आपके घर आ गई लड़ाई झगड़े के बाद, हाँ। तो वो दोबारा जब लेने के लिए आए वो लड़के वाले, हाँ। तो आपने भेजने से इनकार किया था? नहीं, हमने इनकार नहीं किया जी जी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि बेटे आपने तो कहा था कि तीन छुट्टियां मुहर्रम की आ गई हैं, चौथे दिन में आके इसे ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, और फिर तुम आए नहीं, चार दिन ओवर हो गए, मैं परेशान हो गया हूँ, क्या बात है क्या मसला है, आए दिन हंगामे होते हैं जी, तो ये एक्सीडेंट होते हैं, मैं वहम में पड़ गया हूँ जी, और आप लोग जो हैं क्यों नहीं आए जी, हाँ जी, वो बहाने से आके वो मुझे कह लगा जी मैंने अब मैंने नहीं लेने आना, अच्छा मेरे बड़े आएंगे वो लेके जाएंगे। अच्छा, फिर हम वो किराए पे मकान दिया हुआ था, बेटी तो चली गई उधर, हमारा कमाने वाला कोई नहीं था, ठीक, किसी दूसरे आदमी ने हमें आसरा दिया कि तुम मेरे पास आ जाओ, ये कच्चा सा मकान है जी, मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ आसरा आपको करूँगा, कुछ ये लोग करेंगे, मियाँ रजवान साहब ने कहा कि हमारे पास आ जाओ, उन लोगों ने मुझे आसरा दे दिया।
उधर आए, 10 दिन गुजरे, फिर मैंने बेटी को कहा बेटे फ़ोन करो। जी जी। इसने फ़ोन किया तो वो फिर बोला कि जी मैंने नहीं आना, मेरे बड़े आएंगे, वो लेके जाएंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद वो लेके ही नहीं गए। अच्छा सुने, वो जब मैंने कहा फिर बड़े कब आएंगे आपको, बड़े बड़ों को भेजो। हाँ जी। वो 8-10 दिन बाद आ गए, उस लड़का और उसकी दो बड़ी बहनें, वो बदमाश टाइप की औरतें, गुंडागर्दी करने वाली औरतें। जब वो आके बैठे, नहीं सलाम वाली उन्होंने, कुछ नहीं, बैठ गए। मैं उनके मुंह पर मुंह को देखता रहा कि ये कोई बात करेंगे। हाँ जी। उन्होंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा बेटे तू मेरे को कह के गया था कि 3 छुट्टियां आ गई हैं इकट्ठी, चौथे दिन मैं आऊँगा ले जाऊँगा, फिर तूने ये कह दिया कि मेरे बड़े आएंगे, अब मैंने फ़ोन कराया तो तू फिर यही कह रहा कि मैंने नहीं लेना ना, मेरे बड़े आएंगे, तो अब बड़े जो आए हैं तेरे, तो अभी मेरे जबान में यही बातें थी जी। तो वो जो औरतें थी ना, उसकी बड़ी बहन, उसका नाम है ज़ैदा। अच्छा जी। जिसकी बेटी मेरी बेटी का रिश्ता लेके गई फ्राड से। ठीक। मक्कार औरत थी वो। ठीक है, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, जरा मुख्तसरन बता दें। अच्छा, सारा बात। वो मेरे को गुस्सा ले लेके ऐसे करके कूद कूद के पड़ने लगी मेरे को। अच्छा, मारने तक। मैं गुस्से में आके मैंने कहा निकल जाओ बाहर, मेरे घर से कपड़े से बाहर निकल जाओ। हाँ जी, हाँ, कुछ और हो जाएगा। वो बाहर निकल गए, बाहर जब निकल गए तो कहने लगे, इज्जत नफ्स की क्योंकि बात होती है डॉक्टर साहब, मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। अब वो क्योंकि उनकी भी इज्जत नफ्स की बात थी, उनकी बेटी, और फिर इस तरह का ससुराल उसको मिला, तो ये जो मसले मसाइल ये माशरे में आते रहते हैं इस तरह के, क्या अहम वजूहत हैं कि हर घर का एक ये इशू होने लगा है? मतलब हम अगर देखें तो 40% घरों के ये मसले मसाइल हैं। आप क्या वजह क्या देखते हैं माशरे के इन मामलात की? देखिए, नंबर एक वजह इन मामलात की ये है कि जब कोई मसला पैदा होता है जी, और जब उस मसले पर बात की जाती है, इसके दरमियान बहुत हजारों मील का फासला होता है। ठीक है। जो मसला आज पैदा हुआ है जी, अगर आज उस पर बात कर ली जाए तो आसान होगा, दोनों के अंदर अलाव नहीं पक रहा होगा, दोनों के अंदर बारूद जमा नहीं हो रहा होगा जी। लेकिन शुरू में लोग झिझकते हैं। ठीक। बात सामने नज़र आ रही होती है और फिर बात बढ़ती चली जाती है और बहुत वक्त बीच में से गुजरता है, हफ्तों महीनों साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब लावा फटता है, पैमाना सब्र लबरेज होता है, तो जब बात की जाती है तो फिर बात भी ऐसे ही की जाती है जिसमें फिर फसाद हो जाता है, फिर हम बात भी भले तरीके से नहीं करते और जवाब भी भले तरीके से नहीं मिलता, उस बात को और बढ़ा देते, तो फिर ये मसले बढ़ते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी कमज़ोरी बात करने की कमज़ोरी है इंसानों के दरमियान। जबकि मामला ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो, मुश्किल बंदे से वास्ता हो, जज्बाती कैफियत बहुत भड़की हुई हो, नफ़ा नुकसान बहुत ऊंचे दर्जे का हो, तो हम हशप कर लेते हैं। हशप करने से मसले ख़त्म नहीं होते, वो जिन्नाती साइज़ के हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब दिल में ख्याल आता है, जैसे इन्होंने भी बताया कि शादी से 2-3 दिन पहले हमें पता चल गया था, किसी ने बता दिया था, लेकिन फिर ऐसे मौक़ों पे लोग कहते हैं अब ऐन शादी के मौके पे कैसे इनकार करें, कैसे ना करें, और फिर कहते हैं कोई जेलस होके कह रहा होगा, कोई गलत कह रहा होगा, हम भरोसा भी नहीं करते। और अगर किसी के शादी ब्याह के मामले में बीच में आके कोई सच्ची बात बताए भी तो बुरा वो बन जाता है। हाँ, कि क्यों बताई, क्यों वो बुरा बन जाता है, क्योंकि इंसान उस वक्त सुनने के मूड में नहीं होता। तो रिश्ते नाते तो ऐसे किए जाते हैं कि बिल्कुल उसका नतीजा जो सामने आता है कोई हैरत नहीं होती। अगर आप बाजार से कुछ भी लेने जाते हैं तो आप कितना बहुताव करते हैं, कितना आप छान फटक करते हैं, कितना आप पूछते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के रिश्ते करते हुए लोग कितनी लापरवाही करते हैं। सबसे पहली बात कि कमज़ोर लोगों में रिश्ता करना चाहते हैं अपने से, कि शायद ये हमारे लिए कोई आसानी पैदा करेंगे या मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। अपनी बेटी के मुस्तकबिल को कोई ख़ास जेन में रख के नहीं, बल्कि एक पराया धन समझ के एक फर्ज पूरा करने के नाते। बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी पूछूंगी डॉक्टर साहब से कि ये जो जुआ और नशे की तरफ लोग लग जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है? क्या अकेलापन होता है या माँ बाप से महरूमियत होती है? क्या वजह होती है जो इंसान इस तरफ इन गलत कामों की तरफ रागिब हो जाता है? हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
जी वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे। लाहौर के मुजाफात में अफ्तारी हो चुकी है, अफ्तार हो चुका है और यहाँ पे भी अफ्तारी का सिलसिला जारी है। और आज जी हानिया की रोज़ा कुशाई है, हानिया का आज पहला रोज़ा है। और जोहा हानिया की बड़ी बहन है, जिन्होंने फोर्स किया, जिन्होंने बल्कि बताया समझाया कि रोज़ा रखो। और बड़ी बहन के कहने पे, जोया के कहने पर रोज़ा रखा हानिया ने। रोज़ा कितना लगा भाई? बहुत ज़्यादा लगा। कितनी भूख लगी? बहुत ज़्यादा। वही। और प्यास? प्यास उससे भी ज़्यादा। लेकिन दिल में डर था ना लमिया का कि नहीं रोज़ा रखा है तो फिर तोड़ना नहीं है। फिर माशाल्लाह पूरा रोज़ा रखा और अभी आपने रोज़ा खोला है ना। और आपकी रोज़ा कुशाई करवाई है हमारी इस्लामिक स्कॉलर नौरीत फातिमा साहिबा ने। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्ची है। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी आप ही ने इन्हें मोटिवेट किया, लेकिन आप ही भी रोज़ा रखती हैं, बाबा भी और मामा भी, तो सारे घर में ट्रेडिशन है ये। तो ये पूरे घर में जब ये इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे भी बच्चे। और माशाल्लाह सिर्फ 7 साल की हैं अभी और इन्होंने रोज़ा रखा है पहला। मुझे तो आप 6 ईयर्स की लग रही हैं। तो जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगी कि सब रोज़ा रखें ना, रख सकते हैं ना बच्चे भी रोज़ा? आप कैमरा में क्या कहेंगी अपने फ्रेंड्स को? आपकी फ्रेंड्स देख रही हैं ना आपको? आप अपने फ्रेंड्स को बता के आई हैं कि मैं आज जा रही हूँ 92 न्यूज़? नहीं बताया। ओहो चलें कोई बात नहीं, जो आपके आपके जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो सब आपके फ्रेंड्स हैं, तो उन सबको आप क्या मैसेज देंगी? उनको बताएं कि आप रोज़ा रख के कैसा फील कर रही हैं, बताएं। मुझे रोजा रख के बड़ा अच्छा फील हुआ था। अच्छा जी जोया, कैसे मोटिवेट किया आपने, क्या समझाया बहन को कि रोजा रखो? वो मुझसे खुद ही इंस्पायर हुई थी। अच्छा, उसने मुझे खुद कहा था कि मैंने रोजा रखना है, मैंने कहा रखो ये तो अच्छी बात है। हाँ, बड़ों को देख के छोटों के दिल में फिर ये ख्वाहिशात जागती हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या क्या कहा कि इसने? कहती है मैंने रोजा रखना है, कल मामा आपने मुझे उठा देना सुबह। अच्छा, इन्होंने कुछ शहरी में उठी थी, दिन में कुछ खाया पिया? नहीं, आपको कहा कि मैं पानी पी लूं थोड़ा सा? कहा था मुझे प्यास लग रही है। मैंने कहा नहीं यानी आपने कुछ नहीं खाना, आपका रोजा है। माशाल्लाह। और शहरी में क्या खाया? पराठा और ऑमलेट। अच्छा, और फिर तंग कितना किया पूरा दिन घर में? नहीं तंग नहीं किया, तंग नहीं किया। माशाल्लाह बस प्यास लगी यार इसको बहुत ज्यादा, है ना। पराठे से क्योंकि बात हो रही है तो वो फिर दिल ललचाता है ना। किसान कुकिंग ऑयल में पराठा बना हुआ, ओहो क्या टेस्टी होता है। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने कल सहरी में भी, मतलब आज की जो सहरी थी उसमें भी मैंने किसान कुकिंग ऑयल में पराठा और अचार, कोई सालन नहीं साथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ अचार के साथ पराठा, इतना मज़े का लगाना। जर्मीना क्या पराठा याद है? नताशा को जब भी पराठा याद आता है मुझे फौरन नताशा याद आ जाती है। अच्छा अच्छा, सिर्फ प्यास लगी बहुत ज़्यादा है? और दुआ कौन कौन सी पढ़ी? दुआ बताई थी कोई? बहुत सी, अभी हमने बहुत सी दुआएं पढ़ी हैं। फजर की नमाज पढ़ी इसने मेरे साथ। हैं, फजर की नमाज पढ़ी थी? नमाज याद कराई है किसी ने या सिर्फ देख देख के पढ़ी थी? आप ही को देख देख के पढ़ी थी। अच्छा, और फिर नमाज पढ़ के दुआ की थी? क्या दुआ की थी? के मैं पेपर्स में पास हो जाऊं और मेरी बहन भी आ जाए। क्या बात है जी, क्या दुआ मांगी कि मैं पेपर्स में पास हो जाऊं, मैं भी और मेरी बहन भी। एग्जाम कॉन्शियस। क्या पूछना चाहेंगी इन्होंने जी? मैं तो इनसे ये पूछूंगी, आपकी फ्रेंड्स आपकी तरह की हैं, अच्छी बच्चियां हैं सारी, किसी से लड़ाई होती है? सबसे अच्छी फ्रेंड कौन सी सा आप आपको देख रही हैं बताएं? आयशा। आयशा सबसे अच्छी है, उनकी क्या बात आपको बहुत अच्छी लगती है? वो रोजे रखती है। रोजे रखती है, वाह जी वाह, यानी नेक लोगों के साथ फ्रेंडशिप। तो सब सुनने वाले जितने बच्चे हैं बड़े, हम सबको सबक सीखना चाहिए आज हमारी बेटी से कि जो अच्छी सोहबत और अच्छे दोस्त होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी एक छोटा सा वक्फा क्योंकि कराची के मुजाफात में नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस रहमत रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन में और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज HD पे। मैं इस वक्त हूँ किसान किचन में एक बार फिर और मुनीरा आपको बताएंगी अब रेसिपी। जी बिल्कुल, चिकन बोनलेस हांडी के लिए हम चिकन लेंगे तकरीबन 1 किलो और साथ में प्याज लेंगे तकरीबन 2 अदद, अदरक लेंगे 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च भी 2 अदद, दही लेंगे तकरीबन 1 कप, साथ में कुटी मिर्च लेंगे 2 खाने के चम्मच, नमक हंस पे जायका साबुत गर्म मसाला वो भी 1 खाने का चम्मच, टमाटो पेस्ट 2 खाने का चम्मच और किसान घी तकरीबन लेंगे 4 खाने के चम्मच और ज़ीरा लेंगे बिल्कुल 1 चाय का चम्मच। इसका बनाने का तरीका कुछ इस तरह से कि आपने अदरक और प्याज में चिकन को हल्का सा भून लेना है स्टार्टिंग में नमक लगा के, उसके बाद तमाम मसाला जात को दही में मिक्स करके इसको पीस लें और उसको ब्लेंड करने के बाद आपने इसको मिक्स करके इसको हल्की आँच पर पकने दें। इसको एंड में आपने इसमें ज़ीरा लगाना है और हल्के से आपने इसमें लेमन जूस आप कर सकते हैं और इसकी गार्निश है हरी हरा धनिया और हरी मिर्च और अदरक और इसको दम पर रखें, आपकी बिल्कुल क्विक रेसिपी बोनलेस की ये आपकी रेडी हो जाएगी। साथ में जो बनाना स्मूदी है उसके लिए केले लिए 12 अदद और दही है 1 किलो। केले बनाना स्मूदी और बनाना मिल्क शेक में जो मेन डिफरेंस है वो है योगर्ट का। जब आप स्मूदी बनाते हैं तो आप उसमें योगर्ट ऐड करते हैं, लेकिन जब आप मिल्क शेक बनाते हैं तो आप उसमें मिल्क ऐड करते हैं। और चीनी लेंगे 4 खाने के चम्मच, शहद लेंगे 2 खाने का चम्मच, इसको फ्लेवर दिए मैंने शहद से और साथ में आइस क्यूब्स लेंगे हंस पे जरूरत। इन सबको अपने मिक्सर में डालना है और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, आप ऐसी स्मूदी भी रेडी हो जाएगी। सही। साथ में जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया सलाद का वो लिए 1 चने का कप, चाट मसाला लिए हंस पे जायका, साथ में एप्पल विनेगर लिए थोड़ा सा मैंने, नमक भी हंस पे जायका, ऑलिव लिए 2 खाने के चम्मच और साथ में टमाटर लिए हैं 2 अदद, साथ में लेमन जूस लिया है और साथ में लिए लोबिया 1 कप यानी कि बीन्स। आप इन सब चीज़ों को टॉस करें, इसको बॉईल करके चने को मिक्स करके आप इसको एज ए सैलड इसको डिस्प्ले में पेश करें। अच्छा, ऑप्शनल में आजकल बहुत सी वेजिटेबल और भी आई हुई है जैसे कि बीट रूट आया हुआ है, आप उसमें वो भी ऐड बॉईल करके कर सकते हैं इसी प्लेटर में चिक पीस के साथ। तो ये आपकी अपनी वेरिएशन से आपने जो भी इसमें, लेकिन चिक पीस के साथ मोस्ट सालन ही बनता है, लेकिन आप इसको एज ए सैलड बनाएंगे तो बहुत चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है। और अगर आप इसकी हमारी रेसिपीज नोट डाउन करना चाहते हैं जैसे मैं बता चुकी पहले भी, mykisankitchen.com में जाएं, आपको हमारी वहाँ पे मज़े की रेसिपीज मिलेंगी और इफ्तार की खास रेसिपी जो हमने बना रहे हैं वो आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे साथ लाइव कॉलर जो हैं वो हैं जी नज़ीर अहमद गाजी साहब, मुकाम जिब्राइल के मुकाम पर हैं, बाबुल जिब्राइल के मुकाम पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी क्या हाल है गाजी साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करीम का करम है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, किबला गाजी साहब, नूरीन फातिमा बोल रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, हम सब खैरियत से हैं और हम इस यकीन के साथ आपसे लाइव बात कर रहे हैं कि आप वहां पर यकीनन 92 न्यूज के तमाम नाजरीन और पूरी उम्मते मुस्लिमा की दुआएं और मनाजात पेश कर रहे होंगे। इंशाल्लाह, यकीनन यकीनन, इसीलिए तो यहाँ आए हुए हैं, मैं सब अपने जो नाजरीन है उनके लिए दुआ और उनका सलाम जिब्रील पे बैठा हूँ, बिल्कुल जहाँ पे किताब बैठते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी मुनाजात पेश करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। या रसूल अल्लाह, रंग भी नूर भी सब ही तेरे हुए, तेरी मुस्कान से ही सवेरे हुए, तेरी आमद अता तू सखा तू वफा, तू सभी का हुआ हम न तेरे हुए, खाक और खार हैं हम तो आजार हैं, ए हबीबे खुदा हम शर्मसार हैं। तेरे दी पर उठी आंधियां हर तरफ, लुट रही हैं तेरी बेटियां हर तरफ, अब तो शाम गरीबा ही हर शाम है, सोग है हर तरफ सिसकियां हर तरफ, सरनगी शर्मगी अब तो कोहसार हैं, ए हबीबे खुदा हम शर्मसार हैं। और तुमसे जो भी कभी हमने वादे किए ना ही पूरे किए और ना आधे किए, बेहिसी भी रही खुद परस्ती रही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहिसी भी रही खुद परस्ती रही, खुद को सजदे किए खुद को कादे किए, तेरे हाँ हम तेरे ही खताकार हैं, ए हबीबे खुदा हम शर्मसार हैं। और हैं ये दावे कि हम तेरे शैदाई हैं, है तमाशा यहाँ
हम तमाशाई हैं। या रसूल खुदा बहरे नजरे करम, हम है जोरो जफा, हम ही रुसवाई हैं। है सरापा गुना, हम गुनाहगार हैं। ए हबीबे खुदा, हम शर्मसार हैं। और है ये अहदे वफा तेरे दीन पर फिदा, है यह दे वफा तेरे दी पर फिदा, ये जानो जिना और कौसे कजा। बस करम कीजियो ए हबीबे खुदा, बस करम कीजियो ए हबीबे खुदा। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, अलमदद या रसूल, अलमदद या रसूल। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, हो सलाम शमाए बज में हिदायत पेला। हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, हो सलाम जिनकी आँखों में लगे जुल्फ का, जिनकी आंखों में काजल लगे जुल्फ का, उनकी नूरे बसारत पेला। को सलाम शमाए बज में हिदायत पेला, को सलाम और उनसे खिदमत के कुदसी कहें हो रजा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका अलैका। बख्श दो आका जो चीज चाहो, बख्श दो जो चीज चाहो, क्योंकि महा अरे मुस्तफ़ा हो मुझे तबाह, हो मुस्तफ़ा हो मुझे तबाह, हो जो कहूँ इसे सेवा हो। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम सलावातुल्लाह अलैका। रे खुदा के लाडले रसूल, ए खुदा के लाडले रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या नबीअल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या नूरल्लाह। आमीन बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी गाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इस छोटी सी काविश से हम लोग सलाम पेश कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बेशक बेशक जी, आप सब सलाम पेश कर। गाजी साहब, आपकी वापसी कब है, क्योंकि आपके आपके देखने वाले आपके मद्दावी आपका इंतजार कर रहे हैं, वापसी कब है आपकी? बस इंशाल्लाह मैं
मैं भी 16 को यहाँ से चलूंगा, 17 को पहुंचूंगा जुमा मुबारक को, और इंशाल्लाह हफ्ते की ट्रांसमिशन रखी करूंगा इंशाल्लाह। इसका मतलब 18 तारीख की ट्रांसमिशन आप खुद आके करेंगे? जी जी मैं करूंगा। 92 न्यूज के व्यूअर्स आपके बगैर बहुत उदास हैं, बस जल्दी से आ जाइए, आपका वहाँ रहना भी रहमत है। आप इतने नाजरीन का, लाखों करोड़ों लोगों का आपने सलाम पेश करवाया। अच्छा गाजी साहब, मुझे सिर्फ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कल आप किस मुकाम पर होंगे दुआ के लिए, हमें थोड़ा सा जरा अगर आप पहले बता दें। कल मैं कदमैन पाक में होऊंगा इंशाल्लाह, कदमैन पाक। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। गाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं बढ़ूंगी अपनी आपदा बहन की तरफ, और इन पे बात हो रही है तो डॉक्टर साहब आप कुछ बोल रहे थे उस वक्त जब मैंने सवाल किया था, तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था जो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि अफ्तारी हो रही होती है लाहौर में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में वो मुजाफात का टाइम शुरू हो चुका होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो नशे और जुए की तरफ लोग लग जाते हैं, इसकी ख़ास वजह आप क्या समझते हैं? बचपन से ही क्या बच्चे की कुछ महरूमियत, क्या कहते हैं उसको, महरूमियत जो है वो बच्चे को दूर कर देती है? ये बचपन का मामला इस तरह नहीं होता। असल बात ये है कि लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने किसी जज्बात से दूर भागने के लिए, किसी हकीकत से दूर भागने के लिए सहारा लेते हैं नशे का। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जो हर पुरजोश खुशी के मौके पर रिलीज़ होता है, जिसे डोपामीन कहते हैं, और ये अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं जो हमारे मूड और मिजाज को तख्लीक करते हैं। रात को नींद आती है, सुबह हम जाग जाते हैं, खुशी के मौके पे खुशी होती है और गम के मौके पे गम होता है। लेकिन कुछ लोग ये नशे के ज़रिए इस चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, जो शुरू शुरू में उन्हें उसमें काफ़ी मज़ा आता है लेकिन फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है, और वो चीज़ जो उन्हें होने लगती है, वो चीज़ जो कि उन्हें वैसे ही अल्लाह की रहमत से मिल रही थी, अब उसके लिए उनको हर दम तरसना पड़ता है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई चीज़ हो, वो आपको पहले किसी को दे दें और फिर उससे मिन्नत समाजत करके वापस। बिल्कुल ठीक है। आपदा बीबी की कुछ अर्सा पहले तलाक हो चुकी है, और तलाक के बाद इनके बच्चे के अखराजात कैसे चलते हैं, क्योंकि जो इनके हस्बैंड हैं, जो इस बच्चे का बाप है, उसने अखराजात पूरे करने से इनकार कर दिया है। अब आपदा बीबी किस तरह से बच्चे को और अपने घर को लेके चलती हैं, आप बताइए। ऐसे ही अपने मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा है मेरा नाम नहीं देना, उनकी दो बच्ची हैं वो करते हैं पूरा। अच्छा। और मेरे ताया जी के बेटे हैं। अच्छा, ये सारे हेल्प करते हैं आपकी? जी, वो करते हैं। मतलब आपकी मदद करने वाले, आप खुशकिस्मत हैं क्या, आपके इर्द-गिर्द आपकी मदद करने वाले हैं? जी सही। तलाक की वजह आपने, तलाक की असल वजह जो वो नशे वगैरह, वो तो बात बहुत लंबी हो गई, छोड़ दे। खुला का मुतालबा किया? अच्छा। और सबसे पहली बात जो कीचड़ उठाला है, एक बार नहीं चार पाँच मरतबा सबसे पहले ये कह दिया, ये आने वाला बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा। एक दफ़ा कह दिया, मजाक समझ लिया, बर्दाश्त कर लिया, चले अल्लाह पूछेगा, कोई बात नहीं। दूसरी दफ़ा फिर कह दिया, फिर खामोशी रही। जब तीसरी बार मेरे वालिदैन के घर आके ये बात कही, शोर शराबा पहले बता चुकी, क्योंकि के बार बार दुराना वो टॉपिक नहीं अच्छा जी। तो वो आए हैं, उन्होंने किया, उन्होंने ऐसे कह दिया, भाई अब्बू ने कहा भाई निकल जाए फौरी सवाल जवाब करने से। अब्बू ने कहा जी ये आने वाला बच्चा जो है ये हमारा नहीं है, ये मेरा नहीं है। सही। ये शादी से 2 माह पहले की बात थी। अच्छा, अच्छा। बड़ी नंदों ने भी दोनों ने कहा। ओहो, मैं आपसे प्रोफेसर नुरीत फातिमा साहिबा आपसे पूछूंगी, जो तोहमत लगाना है ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बड़े आराम से तोहमत लगा देते हैं किसी पे भी। तोहमत लगाने का एक तो आसान बता दें इसका मतलब क्या होता है, और तोहमत लगाने का नुकसान और अल्लाह ताला की तरफ से अजाब कितना बुरा है। देखिए कुरान करीम में सूरह सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत लगाई गई उसके तनाजुर में 18 आयात अल्लाह ताला ने उतारी और बार बार ये बात कही कि और तुमने उनके बारे में अच्छा गुमान क्यों ना किया।
और फिर बार बार ये कहा गया कि तुमने गलत बात क्यों मंसूब की। अब उसको अगर हम सामने रखें, जो आप बात करें कि तोहमत को आसान लफ्जों में गीबत होती है किसी में जो बुराई मौजूद है उसका जिक्र उसकी पीठ पीछे करना। मगर तोहमत वो होती है कि जो बुराई उसमें मौजूद ही नहीं है, जो ऐब उसमें है ही नहीं, वो उससे मंसूब करना। और गीबत जो है वो जना से बदतर है और तोहमत गीबत से बदतर है। अब आप देखें जो तोहमत किसी पर लगाता है, अल्लाह ताला के जो नेक औलिया है वो कहते हैं हम किसी कुत्ते को देखकर हंसने से डरते हैं कि कहीं कुत्ते ना बना दिए जाएं। जो अल्लाह वाले हैं वो तो इस तरह से जानवरों का भी अदब करते हैं, कुजा के इज्जत माब और इफ्फत माब पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाना। कुरान पाक में अहादीस मुकद्दसा में इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ा कभी जुर्म कोई नहीं है और ये इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं समझती हूँ जो अपने कॉम्प्लेक्सेस को छुपाना चाहते हैं वो फिर किसी तरह जब छुपते नहीं है तो वो बुराई अगले बंदे से मंसूब करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो ये कहा गया है कि आप किसी इंसान का पर्दा रखें तो अल्लाह ताला ने कहा है मैं आपके 70 पर्दे रखूंगा। जो ऐब है भी उनको जैसे डॉक्टर उनको छुपाने के लिए कहा गया है, छुपाने का हुक्म दिया। और यहाँ पर जो ऐब है उनको छुपाने के लिए कहा गया और जो नहीं है उन्हीं तो तोहमत लगा देना बहुत गलत बात है। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप अपनी ज़िंदगी सही गुजार रही हैं, शुक्र है अल्लाह। अब उस आपको लगता था कि वो एक अजाब है जिसमें मैं रह रही थी, अब आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर है, ठीक है, माँ बाप आपके माशाल्लाह हयात हैं, आपके सर पे सलामत रहें, आप इसी तरह खुश रहें। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले, क्योंकि आज हमने अपने टॉपिक पे बिल्कुल इतनी कोई ख़ास बात नहीं की, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम पे। नमाज़ तहज्जुद मारफत इलाही का अहम ज़रिया है, तो इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे फ़र्ज़ नमाज़ों की, उसके बाद सबसे ज़्यादा हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला को जो नमाज़ पसंद है वो नमाज तहज्जुद है। सही। क्योंकि रात के पिछले पहर ये जो नमाज़ पढ़ी जाती है ये खालिसतन अल्लाह और बंदे के मुलाकात का वक्त होता है। उस वक्त में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई मेरे से मदद मांगने वाला कि मैं उसकी मदद करूं, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई जो मुझसे मेरी रहमत का तलबगार हो कि मैं उस पर अपनी रहमत करूं। तो उस वक्त में जो नवाफिल पढ़े जाते हैं और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो हमें मिलता है 2 से लेकर 8 नफल तक आपने तहज्जुद के अदा किए हैं और ये वो नमाज़ है जिसके लिए सोना लाजमी है। अदरवाइज कयामुल लैल में तो वह नवाफिल आ जाएंगे मगर वो तहज्जुद नहीं कहलाएंगे, थोड़ा सा सोने के बाद जो अदा किए जाते हैं। और इस नमाज का इस कदर फायदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज तहज्जुद न सिर्फ ये कि रूहानी मामलात को बेहतर करती है बल्कि हदीस पाक में तुम्हारे बदन को तकवीयत देती है। न सिर्फ रूहानी मामलात बेहतर होते हैं बल्कि बदनी मामलात भी इससे बेहतर होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो ये हमें ज़रूर कम अज़ कम रमज़ान मुबारक में इसको मामूल बनाना चाहिए और फिर जब ये हमारी प्रैक्टिसेस में आ जाएगी तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर इसमें हमें मुदावमत अता फरमाएंगे। क्योंकि अमल अल्लाह को वो पसंद है कि जो मुस्तकिल हो, बेशक थोड़ा हो, ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए तो आपने रोजाना 8 नफल पढ़ लिए और फिर उसके बाद जो है कुछ भी नहीं। तो फर्ज नमाजों की सबसे पहले ताकीद है, उसके बाद फिर नमाज तहज्जुद का है और फिर आजकल जैसे रमजान मुबारक है नमाज तरावी का हुक्म है तो वो रात में हमें ईशा की नमाज के पहले 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ने के बाद 20 रकत नमाज तरावी मर्दों के ऊपर जो है वो बाजमात है, ये सुन्नत मुअक्कदा है कि वो उनको पढ़नी चाहिए और खवातीन इसको घर में अदा करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हमें कयामुल लैल का इहतमाम जो है वो रमजान में जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहूंगी कि ज़रमीना नासिर अपनी खूबसूरत सी आवाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार हैं मदद को आइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार हैं मदद को आइए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सैयदी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम्हें मालूम है आका जो मंगती की कहानी है, तुम्हें मालूम है आका
آقا جو منگتی کی کہانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوٹے پرانی ہیں وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوٹے پرانی ہیں مقدر پر پڑا پردہ ذرا سرکائیے ذرا سرکائیے اشاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ تو پہلے سیدا زہرا تو پہلے سیدا زہرا نظر فرمائیے کہ آپ آ جائیے اشاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے اشاہ انبیاء یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے ان مرد حضرات کو جو عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں میں تو پیغام دینا چاہوں گا سبھی کے لیے زیادہ تر تو مردوں کے ہاتھوں خواتین کو ستایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہیں معاشرے میں اور بہت لوگ ہیں جو برا سلوک کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ذہنی صحت کی خرابی ہے اگر جیسے کسی کی جسمانی صحت بہت اچھی ہو تو اس کو بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا رہتا ہے نجات رہتی ہے اور اسی طرح ذہنی صحت اگر اچھی ہو برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے اپنے خیال کی صحت اپنے موڈ اور مزاج کی صحت اور اپنا برتاؤ اچھا رکھنا اور پھر اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ صحیح انٹریکشن کرنا تو یہ جو قوت برداشت ہے یہ اسی طرح بڑھتی ہے کہ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم خندہ پیشانی سے دیکھتے ہیں کہ دوسرا اگر اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہم ضرورت سے زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے جہاں ہمارا نہیں بنتا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صلاح دینا مشورہ دینا بنتا ہے لیکن اس میں بھی زور زبردستی اور جبر کا پہلو جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ دوسروں کو اپنی زندگی گزارنے دیں پر آپ اپنی زندگی کو جتنا بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں روک رہا بالکل بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ یہ آپدا بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ان کی پوری سٹوری ہے جو بھی ان کے ساتھ واقعات پیش آئے کیا رہنمائی کرنا پسند کریں گے ان کو کیا سمجھائیں گے آنے والی زندگی ان کو کس طرح سے اپنی بسر کرنی چاہیے نہ صرف ان کو بلکہ میں ہر خاتون کے لیے یہ تجویز کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ بنائیں ٹھیک اگر وہ اپنے لیے مردوں کے سہارے کو ضروری سمجھتی ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو پھر انہیں کچھ نہ کچھ تکلیفوں کا سامنا چلتا رہے گا لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اپنے لیے تیار کریں اور اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ بنائیں تو ان کی زندگی نسبتاً بہتر گزرے گی لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو خواتین کچھ کمانے لگتی ہیں تو پھر وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی خراب کرنا وہ شروع کر دیتی ہیں تو توازن زندگی میں میزان زندگی میں بہت ضروری ہے بیلنس بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی جسمانی صحت کا اور ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے علاوہ تعلقات کا بھی شروع سے خیال رکھنا چاہیے اور اگر کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہو تو نرم لہجے میں بات کر کے
پھر خاموش ہو جانا چاہیے, بات کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی پر اثر ہونا ہو تو ہو جائے گا, لیکن شور شرابہ کرنے سے, کھپ ڈالنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. خواتین کے لیے یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ وہ کمزور ہونے کے ناطے وہ کھپ ڈالنا تو ان کے بس میں ہوتا ہے. ہاں, صرف ایک شور مچانا ہی عورت کے بس میں ہوتا ہے. یہاں پہ میں ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں, کسان والوں کی جو کیمپین, کسان کی ایک کیمپین ہے ڈو گڈ وتھ کسان, اس کو اس میں شامل ہونے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. آپ فیس بک پہ جائیں, ٹویٹر پہ جائیں, انسٹاگرام پہ جائیں, آپ نے ایک پیج سرچ کرنا ہے کسان فوڈس کے نام سے, وہاں پر پوسٹ ہے جی ڈو گڈ وتھ کسان. اس پوسٹ پہ کامنٹ میں جا کے ہیش ٹیگ کے ساتھ کچھ بھی آپ کامنٹ کریں گے, آپ کی طرف سے کسان والے 10 روپیز ڈونیٹ کریں گے مدینہ فاؤنڈیشن ہاسپٹل کو, اور وہاں پہ زیر علاج جو مریض ہیں ان کی مدد کے لیے آپ کی مدد بھی ساتھ میں شامل ہو سکتی ہے کسان کی جانب سے. تو اسی کے ساتھ اپنا 8th روزہ اختیار کیجیے آپ, کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں 8th روزے کی تیاری ہونے والی ہے. آپ لوگ سحری کھائیں گے, اور اس کے بعد سحری کے بعد, سحری ٹرانسمیشن کے بعد افطاری ٹرانسمیشن میں, افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے, خدا حافظ.